Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. Today 19 June 2019 Wednesday है, सुबह के 8:11 हो रहे. आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. पहले ही दिन इस वीक के हमने 150 पॉइंट्स की गिरावट देखी और 50 एक डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पर अभी निफ्टी फिलहाल रेस्ट ले रहा है ऐसा लग रहा है. तो यहाँ से क्या बाउंस बैक हो सकता है या फिर ये 50 ईएमए का जो सपोर्ट है, कल ने हमने वीडियो में बात की थी, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर आ सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 18 जून 2019 आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी. तो कल के स्ट्रेटेजी, कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,724 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,655. तो आप देख सकते हैं ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का डेटा हमें कल का ये कैंडलस्टिक का डेटा प्रेजेंट कर रहा है. तो कल एक सीमित दायरे में ट्रेडिंग हो रहा था. हमारा जो ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल था एग्जैक्ट साबित हुआ, करेक्ट साबित हुआ. इसके बीच में ही ये ट्रेड हो रहा था. आप देख सकते हैं इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था. ये जो ब्रेकआउट लेवल का हमने लेवल आइडेंटिफाई किया था ये पेनेट्रेट हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ. और लास्ट जब हाफ एन आवर बचा था तभी इसने ये ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया था. लेकिन 3 बजे के बाद कोई इंट्राडे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया जाता, ठीक है. तो कल इस दायरे में ट्रेड हो रहा था. कल के प्लान के अकॉर्डिंग कोई ट्रेडिंग करने का मौका नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी. तो कल नो ट्रेडिंग जोन था. ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू. अगर आपको ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया था ये देखना है तो कल का आप हमारा वीडियो रिफर कर सकते हैं. ये जो ब्रेकआउट लेवल था ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 38.2% का लेवल था. तो और ये एग्जैक्ट कल का पिवट पॉइंट का भी लेवल था. तो इसको काफी रिस्पेक्ट किया गया कल. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली. फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है तो कहा जा रहा है कि रेट कट हो सकता है वहां पर भी. तो इसकी उम्मीद से बाजार में वहां पर ये पॉजिटिव नोट पे ट्रेडिंग देखने को मिल रही है. अभी यूरोपियन बाजार भी देखें तो वो भी कल हरे निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो निक्केई 340 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट में भी 38 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और हांगकांग मार्केट 600 ऑलमोस्ट 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 600 पॉइंट के साथ ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी हल्की सी वहां पर बढ़त देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी 47 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव सेंटिमेंट से इस समय आ रहे हैं. देखते हैं निफ्टी में चार्ट हमें क्या सजेस्ट करता है. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है वीकली चार्ट. जैसे कि हमने पास्ट वीडियोस में भी यहाँ पर आरएसआई का डायवर्जन की बात की थी. ये यहाँ पर प्राइस एक्शन में हमें हायर हाई देखने को मिल रहा है और ये आरएसआई में यहाँ पर लोअर हाईज देखने को मिल रहे थे. तो इसका ये रिएक्शन आया था प्राइस एक्शन में भी, क्योंकि आरएसआई में बुल्स का स्ट्रेंथ कमजोर दिख रहा था. तो उसके हिसाब से प्राइस एक्शन में भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली. अभी आगे अगर देखें, ये इंडिकेटर्स को मैं बंद कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखे. तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो अराउंड 11,605 के पास है, जो कि ये जो गैप क्रिएट हुआ था इसका इनिशियल लेवल है. तो यहाँ से निफ्टी अगर मंडे का लो अगर ब्रेक करता है तो 11,600 यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट होगा और उसके बाद 11,488 यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा. एज पर वीकली चार्ट जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है, क्योंकि ये अभी भी ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है. अगर डेली चार्ट में देखें तो इसने, ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, इसने 20 ईएमए को ब्रेक कर दिया और 50 ईएमए के पास ये सपोर्ट ले रहा है. लेकिन वीकली चार्ट में ये अभी भी 20 ईएमए के ऊपर है. अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं और क्लोजिंग बेसिस पे जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल कर आएगी, ये हमारा सपोर्ट एज पर ट्रेंड लाइन ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा. आप देख सकते हैं ये 20 ईएमए एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर पेनेट्रेट कर रहा है. तो 20 ईएमए और ये ट्रेंड लाइन
काफी अहम होगी निफ्टी के लिए सपोर्ट टेस्ट करने के लिए। तो हो सकता है यहाँ से एज पर वीकली चार्ट ये बाउंस बैक करे। ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, वीकली चार्ट के जो की बॉटम्स बन रहा है क्लोज का, इसको पकड़ के ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अगर ये ब्रेक करता है तो ही निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी ट्रिगर पॉइंट दो है, फंडामेंटली ट्रिगर पॉइंट है फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग का आउटपुट आएगा वो, और उसके बाद 5 जुलाई को जो बजट पेश होने वाला है वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर वीकली चार्ट के हिसाब से 20 ईएमए अराउंड 11,500 के पास आ रहा है, ये एक मेजर सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन का भी वहां पर ही पॉइंट आ रहा है। सो वीकली चार्ट ट्रेंड अभी भी बुलिश है। चलते हैं डेली चार्ट में, यह है निफ्टी का डेली चार्ट। हमने यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, अगर आपने हमारा मंडे का वीडियो देखा होगा तो आपको याद रहेगा। यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, तो इसने नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद ये 20 ईएमए को भी ब्रेक करता हुआ अभी 50 ईएमए के पास पहुंच गया। तो यहाँ पर ये थोड़ी सांस ले रहा है, रेस्ट ले रहा है, और ऊपर अभी ये 11,723 को कल पेनेट्रेट किया था, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। लेकिन यहाँ पर अभी जो बुल्स का स्ट्रेंथ है वो कम पड़ रहा है, तो अगर ये 50 ईएमए ब्रेक होता है तो 11,605 ये फर्स्ट मेजर सपोर्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पर 11,488 ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है, जिसके पास ये डेली चार्ट का 100 ईएमए का भी ये लेवल इसी के पास आ रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर डेली चार्ट में अगर अप ट्रेंड, यहाँ से कंफर्मेशन चाहिए अप ट्रेंड का, तो ये 20 ईएमए के ऊपर ये क्लोज होना बहुत जरूरी है, तो ही हमें यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से एक अपसाइड मूव फिर से हमें एक बार दिखाई दे। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन का है, तो लॉन्ग जाते वक्त ओवरनाइट पोजिशन बनाते वक्त काफी कॉशियस रहिए। ये था डेली चार्ट का सीनारियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उससे पहले 60 मिनट के चार्ट में आरएसआई के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें, तो जैसे कि हमने वीकली चार्ट में देखा था कि आरएसआई डाइवर्जन दिखा रहा है, वो डाउन ट्रेंड का डाइवर्जन दिखा रहा था। अभी यहाँ पर ये जो 60 मिनट का चार्ट है, इसे मैं 60 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बुलिश डाइवर्जन आरएसआई यहाँ पर दिखा रहा है। कैसे? RSI यहाँ पर हायर बॉटम्स बना रहा है। ये जो 0-30 का ये जो लेवल है ये ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। अभी इससे बाहर RSI निकल रहा है और इसने हायर बॉटम्स बना दिए, लेकिन प्राइस एक्शन में अभी भी लोअर बॉटम्स दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर इसने फर्स्ट इनिशिएट किया है, सिग्नल दिया है RSI ने कि यहाँ पर हायर बॉटम्स बन रहे हैं, यानी यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन में अभी भी लोअर हाइज है। तो फर्स्ट जो RSI में हमें एक्शन दिखाई देता है, उसके बाद हमें प्राइस एक्शन में एक्शन उसका सेम रिप्लिका दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर अभी एक बुलिश डाइवर्जन दिखाई दे रहा है RSI के थ्रू। तो यहाँ पर अगर अपसाइड मूव आता है तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस इस 20 ईएमए का होगा एज पर मूविंग एवरेजेस। तो R1 का भी लेवल उसी के पास आ रहा है, तो ये R1 का जो लेवल है अराउंड 11,732, ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 11,752। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 11,732, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। ठीक है, हो सकता है गैप अप ओपन हो आज और ये R1 के पास ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे, तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही हम इनिशिएट करेंगे बाय पोजीशन हमारा इंट्राडे के लिए। फर्स्ट टारगेट होगा 11,752 और सेकेंड टारगेट होगा 11,772। ठीक है, तो ये दो टारगेट्स होंगे बाय के लिए। और अगर ये कल का लो अगर ब्रेक करता है जहां पर इसने ट्वीजर बॉटम बनाया है, ट्वीजर यानी क्या, जो दो कैंडल है उसका लो जो है वो एग्जैक्ट सेम होता है, ये देख सकते हैं आप 11,641 और इसका भी 11,641। तो ये ट्वीजर बॉटम बनाया है कैंडलस्टिक ने, ये बुलिश साइन होता है एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये अगर ब्रेक करता है 11,641 तो ये हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,613, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,600।
तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। इस YouTube चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।